हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राशेस नेस्ट। आई एम प्राची उपाध्याय और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी रेसिपी। और मैं इस रेसिपी को हेल्दी क्यों बोल रही हूँ ये जैसे ही आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली सी द इंग्रेडिएंट्स एंड सी द रेसिपी एंड उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इस रेसिपी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये है हमारा व्हीट फ्लावर, रागी फ्लावर, स्वीटनर, मिल्क और A2 काओ घी। उसके बाद हम एक 60-40 के रेशियो में इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये डाला हमने व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। उसके बाद हम डालेंगे रागी फ्लावर। स्वीटनर में मैंने खांड यूज़ की है, आप जैगरी यूज़ करें या जैगरी पाउडर यूज़ करें। और उसके बाद डालेंगे हम मिल्क। ये मिल्क A2 काओ मिल्क है और इससे बच्चे के दिमागी विकास में बहुत फ़ायदा मिलता है। एक इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी थिक रखनी पड़ेगी जिससे कि ये बहुत ज़्यादा रनी ना हो। रनी होने के कारण हमारा चीला टूट जाएगा। इसे 15 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे। तवे को प्रिपेयर करने के लिए हम उस पर घी लगाएंगे। उसके बाद बैटर को पोर कर देंगे। स्पून की मदद से इसे फैला देंगे। इसे चीला बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला ना बने। ज़्यादा पतला बन जाएगा तो बहुत कड़क हो जाएगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो भी बहुत कड़क हो जाएगा। इसकी हमको थिकनेस बहुत मीडियम तरीके से रखनी है। देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है नीचे से। और इसकी मदद से हम इसे साइड से निकालने की कोशिश करेंगे एंड पलट लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बच्चे का खाना, इनफैक्ट अपना भी खाना नॉनस्टिक पे ना बनाएं, क्योंकि नॉनस्टिक पे जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो उसमें प्लास्टिक यूज़ किया जाता है एंड वो आपकी और आपकी बेबी की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो देखिए हमारा चीला एकदम रेडी हो गया है, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। साथ में मैंने अपने बेबी के लिए A2 काओ मिल्क का घर का बना मक्खन लिया है। अब इसे तो मैं अपने बेबी को फटाफट खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी इस रेसिपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सो गाइस, अनायशा ने तो ये चीला बहुत ही मजे से पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम जान लेते हैं इस रेसिपी के बारे में। सो गाइस, ये रेसिपी 10 महीनों के ऊपर के बच्चे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि रागी का चीला बहुत ही ज़्यादा चूई और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसमें बेबी को दांत नहीं भी है तो भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। रागी एक टाइप का मिलेट होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं। और मिलेट्स पिछले 1-2 सालों में गाइस दोबारा से ट्रेंड में आ गए हैं और मिलेट्स हमारे इंडियन हेरिटेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मॉमीज एंड डैडीज, ये बहुत ही आसान तरीका है मिलेट्स को अपने बेबी के फूड में शामिल करने का। रागी में मिल्क के कंपैरिजन में 3 times ज्यादा कैल्शियम होता है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका बच्चा कम दूध पीता है या आपका ब्रेस्टफीड उसने छोड़ दिया है। आप रागी को 3-4 हफ्ते में उनकी डाइट में शामिल कीजिए और कभी भी बेबी को कैल्शियम डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, ये तो था रागी का चीला। और अगर आपको रागी की खीर बनाना सीखना है तो ये वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपकी बेबी को आप ये खिलाते हैं और उसे पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि मैं और ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी रेसिपी वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर लाती रहूँगी। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।